हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। आज की इस नए वीडियो में क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड आपके जितने भी प्रश्न आ रहे थे वो सभी के सभी जानकारी दिए जाएंगे इस वीडियो में, कि क्वेश्चन बैंक किस प्रकार पढ़ें, क्वेश्चन बैंक पढ़ने का फायदा क्या है, ठीक ना, कौन से पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक जो है बेस्ट होने वाला है, ठीक ना, क्वेश्चन बैंक पढ़कर हम बोर्ड एग्जाम में कितने प्रतिशत तक अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन बैंक से बोर्ड एग्जाम में कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़ने का फायदा क्या है, यानी A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही आपके 10th बोर्ड एग्जाम से संबंधित जितने भी आपके जानकारी हैं वो सभी के सभी यहाँ पे शेयर किए जाएंगे, ठीक ना, और जितने भी हो सकता है आपकी तैयारी भी कराए जाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न का कलेक्शन कर, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन बैंक, देखिए मार्केट में जितने भी क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है, ठीक ना, तो आप किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है कि उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना, उससे मतलब है, ठीक ना, उससे मतलब है कि क्वेश्चन इसमें कितना दिया हुआ है, कौन ए कब से कब तक का क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन बैंक का मतलब यही है कि उसमें हमसे केवल केवल क्या मतलब है, क्वेश्चन के संग्रह से मतलब है, ठीक ना, कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार पढ़ेंगे। क्वेश्चन बैंक पढ़ने का फायदा केवल यही है कि हम जान जाएंगे कि पीछे जो PVS में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे, कौन से चैप्टर से अधिक प्रश्न आते थे, अभी हमारे लिए कौन महत्वपूर्ण है, हम किस चैप्टर पर अधिक मेहनत करेंगे तो उससे अधिक सवाल बना पाएंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने का फायदा यही है, पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल यह है कि आपका कि क्वेश्चन बैंक जो है किस पब्लिकेशन का लिया जाए। तो मार्केट में देखिए, आप मार्केट में जाइए और जितना भी पब्लिकेशन है सबका क्वेश्चन बैंक मांगे, ठीक ना, और क्वेश्चन बैंक लेने के बाद उसमें देखिए कि आपका भाषा जो है कैसा लिखा हुआ है, पन्ना का लिखावट कैसा है, साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए 2009 से लेकर 2022 तक, 2021 तक जितने भी परीक्षा हो चुके हैं, ठीक ना, 22 तक जितने भी परीक्षा हो चुके हैं उनमें का सभी प्रश्नों का क्वेश्चन एंड आंसर दिया रहता है, इसी को बोलते हैं क्वेश्चन बैंक, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन बैंक से आपके बोर्ड परीक्षा में मात्र 15% प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, ठीक ना, 15% प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। तो यदि आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते हैं, ठीक ना, तो क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते हैं तो एक अच्छा खासा आपका तैयारी नहीं माना जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि क्वेश्चन बैंक पढ़कर हम बोर्ड परीक्षा में कितने प्रतिशत तक अंक ला सकते हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं है, फर्स्ट डिवीजन भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक ना। आपका जो बुक है NCERT बुक को पढ़िए, उसके बाद इसको भी पढ़िए, ठीक ना, क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रॉफिट मिलने वाले हैं। इसका प्रश्न जो है डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट एकदम, कोई बदलाव नहीं होता है, डायरेक्ट जैसा ऑब्जेक्टिव इसमें है वैसा ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक ना। तो अभी देखिए हमारे पास जो है न्यू गोल्डन का है, ठीक ना, आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। केवल केवल मतलब क्या है इसमें, हमें कि मतलब यही है कि इसमें का हमको क्वेश्चन के एनालिसिस से मतलब है कि क्वेश्चन किस प्रकार दिया है, ठीक ना, और उसको हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे कि आपको पता होगा कि आप 90% छात्र ऐसे करते होंगे, जैसे कि मान लीजिए कौन, मैंने जो भी सोशल साइंस का चैप्टर खोला एक, ठीक ना, सोशल साइंस का चैप्टर खोला, उसके ऑब्जेक्टिव को देखा, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव को देखा, ऑब्जेक्टिव को देखते ही हम क्या करते हैं, उसके साइड वाले आंसर को खोजते हैं, ठीक ना, कि साइड वाला आंसर कहाँ दिया है, और आंसर देखकर हम टिक कर लेते हैं। तो ऐसे आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ऐसे पढ़िएगा तो आप बोर्ड एग्जाम में कभी भी अच्छा खासा नहीं कर पाइएगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं एक बार अपने NCERT के बुक से एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए, और रिवीजन कर लेने के बाद एक बार आइए इसको बनाने, ठीक ना, जो भी इसमें सवाल है एक बार आइए उसको बनाने, जरूर आपसे 10 सवाल जरूर बनेंगे, 10 नहीं तो 5 जरूर बनेंगे, लेकिन बनेंगे जरूर। लेकिन ऐसे ही आप जब आंसर देखकर टिक कीजिएगा कि इसका आंसर ये है, फलाना का आंसर ये है, तो आपको याद नहीं रहने वाला है, कुछ समय बाद आप भूल जाइएगा, लगेगा कि अब तो मेरे को याद हो गया, लेकिन जैसे ही 10 दिन 15 दिन 20 दिन हुआ वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन को आप ऑप्शन के अनुसार देखकर टिक ना करें। जिस लेसन का है पढ़ने में मात्र आपको 2 घंटा लगेंगे, ठीक ना, और 2 घंटा में आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने अधिक प्रश्न आ रहे हैं, ठीक ना, लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्योंकि आपको पता है कि अब ऑब्जेक्टिव का युग है ना, ऑब्जेक्टिव का युग है, तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव हम लाइन बाय लाइन जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव पर पकड़ नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। पहले क्या था कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, तो 100 ऑब्जेक्टिव में ये नहीं आ रहा है तो ये बनाएंगे, ठीक ना, ऑप्शन था, अब ऑप्शन नहीं है, अब हम बेहतरीन तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो किस लाइन से ऑब्जेक्टिव बन के तैयार हो जाएगा ये कोई गारंटी
एनसीईआरटी नहीं है, इसीलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन एक बार दो बार जरूर पढ़ें। पढ़ने में मात्र 2 घंटा लगेगा, ठीक ना। और जो भी वहाँ पे कलम रखिए, जो भी वहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको क्या कर लीजिए, कलर कर लीजिए, उसको रंग दीजिए, ठीक ना। क्योंकि जब भी आप उसको खोलने जाइएगा तो डायरेक्ट उसी पर नजर पड़ेगा, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु पर ही नजर पड़ेगा। आप वहाँ का आपके लिए दूसरा बार में वहाँ से क्या बचेगा, समय बच जाएगा, ठीक ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हुआ कि हम आंसर देखकर क्या बोलेंगे, यानी आंसर देखकर हम टिक नहीं करेंगे कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, ठीक ना। पहले क्या करेंगे, हम पहले बुक पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण इसमें कोई सा, जैसे कि जीव प्रकरण का इसमें टॉपिक है, ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड, तो प्रकाश संश्लेषण को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए अपने बुक के माध्यम से। प्राइवेट बुक है तो उसको पढ़िए, या एनसीईआरटी बुक है तो उसको पढ़िए। उसके बाद इसमें जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड, उसको आसानी से आप सॉल्व कर दीजिएगा। 80% है कि आप 80% चांस है कि आप उसमें के सभी के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर दीजिएगा। बशर्ते क्या है, आपको पहले पढ़ना होगा उस टॉपिक से रिलेटेड और देखना है कि इस 10 साल में कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने का यही फंडा है कि हमको जानकारी हो जाए कि किस प्रकार विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने का फायदा यही है कि हम क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ेंगे, किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें हमें क्या मतलब है, केवल क्वेश्चन से मतलब है, और ऑब्जेक्टिव का एक संग्रह मिल जाता है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव का क्या मिल जाता है, एक संग्रह मिल जाता है। उसके लिए गाइड गेस भी है, गाइड गेस भी बता देंगे आपको कि कौन सा गाइड बेस्ट है और कौन सा गाइड आपका क्या है फालतू है। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे क्या होता है कि गलत भी दिए रहते हैं, तो ऐसे आप कीजिएगा टिक मारकर, ठीक ना। तो वहां पे अधिक चांस है कि आप वहां पे गलत कीजिएगा, और इसमें गलत उत्तर मिसप्रिंटिंग के कारण छप जाता है, ठीक ना। बहुत सारी गलतियां हैं इसमें, हम देखे भी हैं, ठीक ना। बहुत सारा आंसर भी गलती दिया हुआ है, ठीक। तो उसको इसलिए आपको नहीं करना है, क्योंकि आप जब टिक कीजिएगा तो आपको तो पता नहीं है, लेकिन जब आप बुक पढ़िएगा तो आपको पता होगा कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब एक टॉपर जो है क्वेश्चन को किस प्रकार पढ़ता होगा, एक साधारण स्टूडेंट के बजाय, ठीक ना। देखिए टॉपर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक को नहीं पढ़ते हैं, उनका सपना होता है बोर्ड परीक्षा में टॉप करना, तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन बैंक को नहीं पढ़ेंगे। पहले देखिए वो उनके जितने भी बुक हैं नोट्स हैं, नोट्स को पढ़ते हैं, और नोट्स को पढ़ने के बाद, जैसे कि मान लीजिए 2010 का हो गया, 2021 का हो गया, उसके बाद आते हैं इसको सोल्व करने के लिए कि चलिए देखा जाए कि 2018 में 2020 में जो प्रश्न पूछा गया है उसमें से हम कितना प्रतिशत सोल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो इससे एक और जानकारी मिल रहा है कि आप अपने को आकलन कर सकते हैं कि अभी हमारा तैयारी जो है कितना प्रतिशत हुआ है, कितना प्रतिशत और करेंगे तो हम बोर्ड परीक्षा में अपने बेस्ट दे पाएंगे। तो जब आप बोर्ड परीक्षा के लिए बेस्ट तैयारी कीजिएगा तभी जाके आपके बोर्ड परीक्षा में बेस्ट अंक आएंगे, ठीक ना। ऐसे आप सोच लीजिएगा कि मैं बोर्ड परीक्षा में 88% 99% ला रहा हूँ तो कभी नहीं आने वाले हैं। कहते हैं ना कि सपने वे नहीं होते जो रातों में आया करते हैं, सपने तो वे हैं जो हमको सोने ना दे, ठीक ना। जो रात में सपना देते हैं उसे भगवाना कहते हैं, इसीलिए मेहनत कीजिएगा तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी बोर्ड एग्जाम में, ठीक। बोर्ड एग्जाम में टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कोई टॉप नहीं करता है। कारण क्या है कि वो उसके जैसा मेहनत नहीं करते हैं, उसके जैसा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। जितना एक साल दी है सरकार, तो एक साल में हमें बेहतरीन तरीका से तैयारी करना होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन हम करते नहीं हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, फलाना दिन करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करते करते पूरा टाइम निकल जाता है, और एक घड़ी ऐसा आता है कि हम तैयारी नहीं किए रहते हैं। अब थोड़ी सी हमारे अंदर खलबली आ गया, अब हमें बोर्ड एग्जाम देना है, कौन से पब्लिकेशन का पढ़ ले, कौन से गाइड का पढ़ ले, किस बुक से पढ़ ले कि प्रश्न आ जाए। तो देखिए उस समय क्या होगा कि आपका दिन पर दिन प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा आपका पढ़ा हुआ और ना पढ़ा हुआ फिर एक ही होने वाला है। इसीलिए अभी से भी समय है, अभी से भी बहुत अच्छे आप तैयारी कर सकते हैं और करके भी अच्छे खासे परसेंटेज ला सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट में जो भी आपको पसंद आए वो क्वेश्चन बैंक लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि देखिए मेहनत से ही सब कुछ हासिल होगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं पा जाता इस संसार में। क्योंकि आपको पता है कि हम खाने के लिए भी हाथ उठाते हैं तभी खा पाते हैं, ऐसे हमको खाना कोई मुंह में नहीं ला देता है, ठीक। तो बोर्ड एग्जाम में बेहतर करना है तो उसके लिए बेहतर हमें क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। कहते हैं कि जब मोबाइल पर अंगुलियां घुसेगी ना तो बोर्ड परीक्षा में कभी भी आपके 90% नंबर नहीं आने वाले हैं। तो इसीलिए अपने उंगली और पेन को लेकर किताब एवं कॉपी पर अपने कलम को घिसे, ठीक ना। मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो बोर्ड परीक्षा में कभी भी आपके 90% नंबर नहीं आने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।